दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश और टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मेरे पास है एक नया प्रोडक्ट जो कि मैंने अपने कंप्यूटर के लिए लिया है, जिसे UPS बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों मैंने अमेजोन से लिया है तकरीबन 2800 रुपये में। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है तो आपको 1000-1500 में भी ये मिल जाता है, 1200-1300 में भी ये मिल जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए था तो मैंने ये लिया 2800 रुपये में। तो देखिए इसमें क्या मिलता है। तो 360 वैट तक ये कोई भी अगर आपका कंप्यूटर हो या फिर कुछ भी इस पर लोड देना हो तो ये चल जाएगा। और 2 ईयर की इसकी वारंटी मिलती है और 4 से 6 आवर तक ये फास्ट चार्जिंग भी हो जाएगा। तो जैसा था वैसे मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। अभी तक मैंने इसे ओपन भी नहीं किया, तो पहले इसे ओपन करता हूँ, उसके बाद इसमें क्या क्या है तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो फिलहाल मैं जो काम करता हूँ तो कंप्यूटर पे करता हूँ। वैसे मेरे पास लैपटॉप भी है, तो लैपटॉप से अच्छा है कि कंप्यूटर थोड़ा अच्छा चलता है, तो उसी के लिए मैंने लिया है। लेकिन कभी कभी हमारा जो गाँव है तो वहाँ पे बिजली का भी प्रॉब्लम रहता है, तो कभी कभी चली जाती है, तो बीच में मेरा काम रुक जाता है, उसके कारण मैंने ये मंगवाया। तो चलो इसे करते हैं ओपन। तो इसकी जो पैकिंग है तो मुझे कुरियर वाले ने बिल्कुल ऐसा ही दिया था, तो मैं वैसा ही इसे कट करता हूँ। अब पता नहीं कि इसके साथ और कोई कार्टून में दिया होगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही मेरे पास ये आया था। तो इस पर एक स्टिकर था तो अभी निकल रहा है। उसके साथ यहाँ पे मेरा एड्रेस मोबाइल नंबर दिया था, और जो पेमेंट है तो पेमेंट तो मैंने उसी टाइम वहाँ पे कर दिया था, कैश ऑन डिलीवरी मैंने मंगवाया था। चलो फटाक से मैं इसे कर देता हूँ कट। तो यहाँ का जो स्टिकर है दोस्तों ये इसके साथ निकल के आ रहा है, तो मैं थोड़ा अच्छे से निकाल लेता हूँ इसको। ये जो पूरा के पूरा है ये सब निकल रहा है। तो ये तो हो गया इसके ऊपर की पॉलिथीन, तो इसे मैं रखता हूँ साइड में। इसमें पहले ये पट्टी जो है ये भी मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे जो भी लिखा है तो वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है 360 वैट, और 4 से 6 आवर तक ये फास्ट चार्जिंग हो जाएगा। 2 ईयर की वारंटी मिलती है इंक्लूडिंग बैटरी के साथ, ओके। उसके बाद क्वाइट लेस बीपिंग और बैटरी सेवर इसके साथ में है, और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन भी इसमें हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑल इन वन PC विथ 15 इंच का LCD मॉनिटर है, तो बैटरी सेवर ऑफ रहा तो 27 मिनट और ऑन रहा तो 14 मिनट, ये यहाँ पे टाइमिंग दिया है, लेकिन जब मैं इसे यूज़ करूँगा तभी ये मुझे समझ में आएगा। क्या होता है दोस्तों, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं अगर हमारा जो भी काम है अगर वो सेव नहीं किया और बिजली चली गई तो पूरा नुकसान हो जाता है, जितना भी काम किया उस पर पानी फिर जाता है। तो इसी के कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखो बैटरी के लिए सब बताया है, यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटी बैटरी 7.2 एम्पियर की है, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे सारी बातें आपको मिल जाएगी। और फिलहाल मैं यही पे आपको दिखा दूंगा कि इस पे लगते हैं 3 प्लग दिए हैं यहाँ पे, यानी कि जो मैं चलाता हूँ तो मेरा तो एक LED हुआ, उसके साथ जो CPU है उसकी पिन, और मैं होम थिएटर भी यूज़ करता हूँ, तो शायद तीनों भी प्लग यहाँ पे मेरे लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ा था तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर सेल इन इंडिया ओनली, ओके। तो चलो अब बारी आते हैं अंदर इसे ओपन करने की।
आप लेना चाहो तो दोस्तों इसकी जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर जो कम रेंज वाले भी सिर्फ ये जो UPS है वो भी मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूंगा। फिलहाल दिवाली की जो भी ऑफर शुरू है उसके कारण थोड़ा प्राइस कम हुआ है, ठीक है, मैंने इसे कर दिया है कट। ओके, तो पहले तो पैकिंग तो इसकी जैसे कि ये थर्मोकॉल में दिया है। ओके, उसके बाद इसमें क्या क्या आता है, तो यूज़र मैनुअल दिया है। फिलहाल इसे पढ़ने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, फिर भी इसमें दिया है तो ये बाद में मैं पढ़ लूँगा। इसमें एक मैनुअल मिलता है, ठीक है, तो इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में, और जो मेन है अपना प्रोडक्ट उसे मैं निकाल लेता हूँ। तो चलो इसको मैं निकाल लेता हूँ, तो ऐसे करके मैं, ठीक है, तो ये रहा UPS। इसमें और कुछ है नहीं, इसमें बस खाली एक थर्मोकॉल है, इसको मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। और इसका जो केबल है, तो केबल तकरीबन 1 से 1.5 मीटर का केबल इसके साथ आया है, और ये भी है पैक, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ ओपन, ठीक है, मैंने कर दिया है कट। और ये रहा UPS। बहुत सारे UPS मिलते हैं दोस्तों जो कम ज़्यादा रेट में रहते हैं, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। ये पता नहीं क्या है, तो वारंटी भी इन्होंने दी है इसके साथ में। और यहाँ पे पीछे से तो और कुछ दिया नहीं है इन्होंने बस, और कस्टमर सर्विस के लिए इन्होंने यहाँ पे नंबर दिया है। और आगे से मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे बैटरी सेवर के लिए एक बटन दिया है, यहाँ पे लाइट भी जलती होगी, फिलहाल मैंने शुरू नहीं किया। और इसके साथ में और इन्होंने क्या दिया, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, यहाँ पे कुछ ये चेक करके यहाँ पे एक पास दिया है। तो चलो मैं ये रख देता हूँ, और फिलहाल अब मैं इसे करता हूँ शुरू। तो ये हो गया शुरू, ठीक है। ये बटन बैटरी सेवर की बटन दी है यहाँ पे, और इस तरीके से, तो मैं इस पर लोड भी दूंगा तो ये चल जाएगा। लेकिन मैं इसको जो है प्लग, तो प्लग में करके देखता हूँ कि इसमें क्या आता है। चलो मैं करता हूँ इसे शुरू, ठीक है। वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर बिजली रही तो ये लाइट ब्लिंक होता है यहाँ पे, और बिजली अगर चली गई तो ये जो है तो ये ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है बैटरी चार्जिंग रेट रिप्लेस बैटरी, अगर बैटरी ख़राब हो जाए दोस्तों तो ये यहाँ पे रेड लाइट लगता है, यहाँ पे लिखा है रेड अगर लग जाए तो रिप्लेस बैटरी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर ये लाइट बंद हो जाता है तो समझो बैटरी फुल चार्ज हो गई है। इसका जो चार्जिंग का जो इसमें एक सेफ्टी दिया है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे चालू रहता है तो अगर बैटरी कंटिन्यू शुरू रही तो बैटरी ख़राब भी हो सकती है, तो इन्होंने ऑटोमेटिक दिया है कि अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो ये ऑटोमेटिक उसे कट कर देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एक बात है, तो आप लेना चाहो तो। फिलहाल मैं इस पर तो लोड दे के नहीं बताऊँगा, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर लोड दिया तो ये शुरू ही हो जाएगा। लेकिन आप अगर लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए, उसमें आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और बाकी जो UPS है तो उसकी भी लिंक उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे मेरी वीडियो देखते रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो बाय।